हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे लोग, फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज सी प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल का जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है वो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके लिए डिस्प्ले करा रहा हूँ. ओके, ये जो है आपको, अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग लिया हुआ है तो उसमें सी प्रोग्रामिंग करके सब्जेक्ट है, उसमें आपको काम में आएगा. अगर आप ITCS स्ट्रीम में लिए हुए डिप्लोमा, फिर डिग्री इंजीनियरिंग में SPA करके एक सब्जेक्ट होता है. अगर आप इंजीनियरिंग 12th के बाद कर रहे हो तो उसमें SPA करके सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में आता है, अगर आप ITCS लिया होगा स्ट्रीम आपने चूज़ किया होगा तो. फिर बाद में BSc में ITCS अगर आप लिए हो एडमिशन तो उसमें इंपरेटिव प्रोग्रामिंग करके सब्जेक्ट है, सी प्रोग्रामिंग वगैरह है. ओके, तो उसमें देखो, उसके लिए क्वेश्चन है कुछ 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एनलिस्ट किए हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपने इतना भी किया तो भी बहुत है, मतलब एक 60-70% आपका प्रिपरेशन यही हो जाता है, ऑलमोस्ट हो जाता है. ओके, और इसके अलावा कुछ और दो चार क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन है, वो यहाँ पे इंग्लिश नहीं करूँगा, नहीं तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको. तो जो भी है इतना तो आप करना है आप लोग को, ठीक है. तो मैं इसका जो भी, हर एक क्वेश्चन का जो भी है ना, डिटेल्ड एडिटर में आपको प्रोग्राम रन वगैरह करके टर्बोसी में आपको इसका हर एक का अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ, करने वाला हूँ एक्चुअली, तो थोड़े टाइम में. तो इसके लिए आप क्या करिए, आप सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, तो बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि मैं जैसे जैसे डालता रहूँगा वीडियो आपको वो नोटिफिकेशन जाता रहेगा, ठीक है. तो आगे बढ़ते हम लोग, ये स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. तो यहाँ पे देखो, पहला वाला प्रोग्राम है कि भाई हम लोग हेलो वर्ल्ड मैसेज डिस्प्ले करना है अपने को. कोई भी मैसेज अगर आपको डिस्प्ले करना है तो क्या करना है, तो ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा वार्म अप वाला प्रोग्राम है, ये और ये दो तीन. तो इसका इतना नहीं इंपॉर्टेंस, बट ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको स्टार्ट तो इसे ही से करना पड़ेगा. ओके, इफ यू आर ए बिगिनर. तो यहाँ पे फिर दूसरा प्रोग्राम है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है दो नंबर्स को, और उसका डिस्प्ले करना है रिजल्ट में. ओके, थर्ड वेरिएबल रिजल्ट में, तो आउटपुट, तो वो वाला इंपॉर्टेंट है. ओके, मतलब एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. फिर यहाँ से शुरू हो जाता है आपका सब एकेडमिकली क्वेश्चन, या थियरी रिलेटेड या प्रैक्टिकल रिलेटेड इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे देखो, कोई भी एक नंबर राइट प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड, मतलब इवन और ऑड चेक करने के लिए हुआ नंबर प्रोग्राम. तो ये थियरी में आपको पूछता है ज़्यादा करके कभी, और प्रैक्टिकल में अगर लक अच्छा रहा तो पूछ लिया तो आपको 15-20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, अगर थियरी में पूछा तो 4-5 मार्क आपको मिल जाएगा. फिर बाद में आपको इधर पूछता है क्वेश्चन नंबर 5th, आपको प्राइम है कि नहीं नंबर जो एंटर किए वो वाला. फिर बाद में इनपुट कैरेक्टर जो है आपका वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है. वॉवल मतलब क्या, जैसे कि आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने हैं, 26 है, उसमें से 5 जो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवल्स होते हैं, बाकी के कॉन्सोनेंट होते हैं. तो उसको पहचानने के लिए, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक प्रोग्राम होता है, डिस्प्ले करना है फास्ट बाय. फिर बाद में दूसरा है इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना, PNR/100, ये फॉर्मूला तो आपको पता है, P(N)R/100. तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सिंपल वाला, कंपाउंड वाला. तो ये वाला अगर कंपाउंड हो गया तो शायद डिग्री में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो डिग्री इंजीनियरिंग में पूछ लेगा. अगर सिंपल इंटरेस्ट वाला है तो आपको BSc में डिप्लोमा में पूछ लेगा. ओके, ऐसा है, जैसा स्ट्रीम है उस हिसाब से आपको कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे. फिर बाद में ये एक इंपॉर्टेंट है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग थर्ड वेरिएबल. ओके, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, एक्चुअली सिंपल वाला है. फिर ये सिंपल मतलब क्या, इसमें एक टेम्प वेरिएबल आप लेके इसमें करते हो, बताऊंगा मैं आपको वीडियो में दूसरे. फिर बाद में दो वेरिएबल्स हैं विदाउट यूजिंग, देखो यहाँ पे मैंने बोल्ड भी किया विदाउट यूजिंग, बिकॉज ये एक ट्रिकी है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है. ओके, मैथमेटिकली ऑपरेशन करके इसमें करना पड़ता है एक्चुअली, मतलब मैथमेटिकली इसमें कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है थोड़ा. तो ये लॉजिकली आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और थियरी में भी प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं आपको. फिर फ्लॉइड्स ट्रायंगल एक ट्रायंगल जैसा, अभी ये ट्रायंगल है ना, वैसे ही उसमें कैसा होगा, ये जो स्टार्स है इसमें नंबर्स होंगे, और नंबर्स कैसे असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, ऐसा होगा, तो वो फ्लॉइड्स ट्रायंगल उसको बोलते हैं, उसको वैसे सीरीज में प्रिंट, ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में प्रिंट करना है वो प्रोग्राम. फिर बाद में देखो, ये प्रिंट जैसा है वैसा सीरीज में आपको, सीक्वेंस में आपको प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम है, एक ऐसा होता है प्रोग्राम. ओके, फिर ये भी ज़्यादा करके पूछता है, ये प्रैक्टिकली प्रोग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ऐसे आ जाते तो आपको आराम से फुल 20 में से 20 मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा करके 50 मार्क के होते हैं, तो उसमें दो प्रोग्राम पूछते हैं, एक छोटा एक बड़ा रहता है, एक 30 एक 20, या फिर 25 25, या 15 और 35, ऐसा होता है. तो जैसा है, फिर बाद में एक ऐसा वाला सीक्वेंस प्रिंट करने के लिए आएगा पिरामिड वाला, फिर एक उसका रिवर्स. ओके, जो पहला वाला किया, फिर ये दोनों को जोड़ के एक बनता है सीक्वेंस. फिर ये बाद में नंबर्स वाले, ये 1, 2, 2 बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, वहाँ पे मैंने क्या बोला था, असेंडिंग ऑर्डर्स बोला था, 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूस बोला था, यहाँ पे क्या है, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. तो फ्लॉइड्स में कैसा रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ऐसा रहेगा, पर ये कैसा, सेम सेम नंबर वाला, ये एक सीरीज हो गया। फिर बाद में यहाँ पे अगर कोई एक पैलिंड्रोम नंबर, कोई भी एक सी प्रोग्राम राइट, सी प्रोग्राम दैट इज एंटर टू स्ट्रिंग वर्ड और फॉर्मेट जो भी है आप एंटर करो, पैलिंड्रोम है कि नहीं, पैलिंड्रोम मतलब कैसा है, 1, 3, 3, 2, 4 अगर हुआ तो ये कैसा है, अभी 24 का मिरर इमेज क्या हुआ, 42। ओके तो ये हो गया, या फिर 1, 3, 3 सॉरी, तो 1, 3, 3, 1 तो ये क्या हो गया आपका, ये भी एक मिरर इमेज हुआ ऐसा। तो ये क्या आपका बीच में अगर आप करते हो डिवाइड इसको तो मिरर इमेज हो जाता है, सॉरी। ओके तो ऐसा वाला एक प्रोग्राम आपको आ सकता है। फिर बाद में आपको रिवर्स करना है स्ट्रिंग को, वो हो सकता है। फिर एक फैक्टोरियल आपको पता है, फैक्टोरियल के ऊपर है। ओके फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल कैसे मैक्स में करते हैं, तो उसमें करना है, और वो भी कैसे करना है, रिकर्शन मेथड। तो ये थियोरिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली कंसेप्ट। ओके थियोरिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये फैक्टोरियल का। फिर बाद में आपको फिबोनाची सीरीज करने के लिए आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली। फिर बाद में ये एक एमस्ट्रॉन्ग है कि नहीं, एक नंबर जो भी आप एंटर करते हो, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर नंबर इज एमस्ट्रॉन्ग और नॉट, मतलब अगर एक नंबर ले लिया 153, तो उसका अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको, उसका सबको एक एक को इंडिविजुअली डिवाइड करके उसका सबका क्यूब लेके उसका समीशन जो नंबर लिया है वो आना चाहिए। तो फिर अगर ये क्यूब ले लिया मैंने और इसका टोटल समीशन अगर यही सेम नंबर आया तो ये हुआ एमस्ट्रॉन्ग, नहीं तो नहीं। फिर स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, मतलब strcpy, मतलब सॉरी कॉपी कॉन्कैटिनेशन के ऊपर। फिर बाद में आपको लेंथ चेक करने के लिए एक स्ट्रिंग का पर्टिकुलर वैसे वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला एक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन के ऊपर थियोरिटिकली भी ये बहुत पूछता है, तो उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह देने को काम में आएगा। फिर बाद में सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स आपको पता है मैथ्स का, वो वाला प्रिंट करने के लिए भी एक क्वेश्चन आता है। फिर बाद में डेमोन्स्ट्रेट करना है स्विच केस स्टेटमेंट, स्विच केस एक होता है फंक्शन ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में, वो एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एग्जाम्पल आएगा। फिर बाद में यहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं आपके पास, जो भी आपको असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, अरिथमेटिक प्लस माइनस वाले ऑपरेटर्स हो गए, सबके साथ कैसा खेलना है, ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है उसके ऊपर है। फिर बाद में आपको लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कि आपको सी प्रोग्राम एक 2 डिमेंशनल अरे वगैरह लेना है। ओके अरे लेके आपको क्या करेंगे, आप एक मैट्रिक्स डिस्प्ले करेंगे, और डिस्प्ले करने के बाद उसके साथ सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, आपको तो पता है रो एंड कॉलम फॉर्मेट में रहता है मैट्रिक्स का, तो वैसा फॉर्मेट में करके फिर सब्सट्रैक्शन उसके साथ, मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिसेस के साथ, एडिशन 2 मैट्रिसेस के साथ करना है। फिर ये देखो मैंने बोल्ड पे भी यहाँ पे क्या हो, ट्रांसपोज करना है, मतलब रोज को कॉलम, कॉलम्स को रोज, उसको उल्टा करना है मैट्रिक्स को, उसके लिए स्पेशली प्रोग्राम भी आ सकता है। और ये डिग्री रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बीएससी में भी आपको आ सकता है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स के ऊपर है, ब्रांचिंग लूपिंग स्टेटमेंट्स पे ऊपर प्रोग्राम्स है, ऐसे बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स है वैसे, बट वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो है ये खास कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि ज़्यादा करके कॉमनली पूछे जाते हैं। ओके तो बस यही इतना ही बोलूँगा। इसमें देखो मैंने आपको बताया कि लास्टली मैं ये सब जो भी क्वेश्चंस है ये सब के वीडियोज़ में सॉल्यूशंस के साथ टर्बो सी में रन करते हुए अप्लाई करके आपको करने वाला हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। ओके ठीक है, लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो ज़्यादा, आप देखिए, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आप लाइक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो। तो इसके बाद का मैं अभी सी के ऊपर का सॉल्यूशंस का वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, थैंक यू।